बांग्लादेश पहुंची टीम इंडिया। बांग्लादेश पहुंचते ही विराट कोहली ने मचाई तोड़फोड़। वनडे सीरीज से पहले कर दिया कुछ ऐसा। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी बांग्लादेश पहुंच चुकी है। बांग्लादेश के इस दौरे पर टीम इंडिया सबसे पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी और फिर इसके बाद होगी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 दिसंबर को ढाका के मैदान पर खेला जाएगा और बांग्लादेश पहुंचते ही टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने तोड़फोड़ मचा दी। अब आप सोचेंगे कि बांग्लादेश पहुंचते ही विराट कोहली ने आखिर तोड़फोड़ क्यों मचाई, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर विराट कोहली ने किस तरह से बांग्लादेश पहुंचते ही तोड़फोड़ मचा दी और वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हो रही है। इनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। और विराट कोहली अब वनडे और टेस्ट सीरीज दोनों में खेलेंगे और विराट कोहली ने बांग्लादेश पहुंचते ही इस सीरीज के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल को ऑस्ट्रेलिया में पिछले महीने खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड दौरे के लिए आराम दिया गया था। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, उन्होंने 296 रन बनाए थे। लेकिन अब विराट कोहली, रोहित शर्मा और लोकेश राहुल एक ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4 दिसंबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी और इस सीरीज की तैयारियों के लिए विराट कोहली ने बांग्लादेश पहुंचते ही अपना अभ्यास शुरू कर दिया। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रैक्टिस सेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें विराट कोहली बल्लेबाजी प्रैक्टिस के साथ साथ फुटबॉल खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली ने जमकर शॉट्स लगाए। कोहली अपने पुराने टच में नजर आ रहे थे और गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। इसका मतलब साफ है कि विराट कोहली ने अपने प्रैक्टिस सेशन से ही बांग्लादेश के गेंदबाजों को ये संदेश दे दिया है कि इस वनडे सीरीज में उनकी काफी पिटाई होने वाली है, तो वो विराट कोहली से बच कर रहे। चलिए, विराट कोहली ने तो वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस सीरीज का पहला वनडे मैच 4 दिसंबर को ढाका के मैदान पर खेला जाएगा। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 दिसंबर को ढाका के ही मैदान पर होगा। इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 10 दिसंबर को ढाका के मैदान पर होगा। वनडे सीरीज खेलने के बाद टीम इंडिया 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 14 से 18 दिसंबर को चटगांव के मैदान पर होगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच होगा 22 से 26 दिसंबर को मीरपुर के मैदान पर। वैसे आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश दौरे के लिए एक मजबूत टीम का सिलेक्शन किया था, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम में कुछ बदलाव करने पड़े। टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए, इसीलिए उन्हें बांग्लादेश से बाहर ही रहना पड़ा। इसके साथ ही साथ यश दयाल भी चोटिल होने की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हो गए। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है। इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल का नाम शामिल है। हालांकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी संभव नहीं हो पाई है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जडेजा और बुमराह की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया बांग्लादेश के घर में उससे वनडे सीरीज जीत पाएगी? क्या टीम इंडिया बांग्लादेश का क्लीन स्वीप कर पाएगी? कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।